आयुष्मान खुराना का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है और न ही किसी समुदाय के बारे में कुछ गलत दिखाने का इरादा है। आयुष्मान ने एक बयान में कहा कि मैंने नोटिस किया है कि आर्टिकल 15 को लेकर चारों ओर कई विवाद है। मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा जो विरोध कर रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि यह फिल्म ब्राह्मण विरोधी है, कृपया इस फिल्म को देखें। हमारी फिल्म किसी का भी पक्ष नहीं ले रही है और न ही किसी समुदाय के बारे में कुछ गलत दिखाने का इरादा है। और सेंसर बोर्ड, जिसके पास किसी फिल्म को दिखाने के पहले अपने कुछ दिशा निर्देश होते हैं के द्वारा इस फिल्म का निरीक्षण किया जा चुका है। मई में रिलीज हुई इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक गांव की दो जवान लड़कियों के साथ बर्बरता से दुष्कर्म किया जाता है और इसके बाद उनकी हत्या कर उनका शव पेड़ से लटका दिया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि इन लड़कियों के परिवार वालों को अधिकारहीन कर दिया जाता है और मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन्हें महज इस वजह से इंसाना बनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने दैनिक वेतन में 3 रुपए बढ़ाने की मांग की थी।